उससे मुझे लगा कि शायद वो गलती से पहुंच गई। नमस्कार, न्यूज वन इलेवन में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। दीपिका पादुकोण को लेकर के जो सियासत है वो लगातार जारी है। अलग अलग पार्टियां इस पर अलग अलग बयान दे रही हैं। जिस वक्त से दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची हैं, उसके बाद से उनके ऊपर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी की बात करते हैं, जहां एक तरफ उनको बचाने की कोशिश की गई है, वहीं स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने उन पर निशाना साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि वो किनका साथ दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने वाले और जिस तरीके से जो सीआरपीएफ जवान की जब मौत होती है तो ये वो लोग हैं जिस पर जश्न मनाते हैं, जिसके साथ दीपिका पादुकोण खड़ी थी। और उन्होंने दीपिका पादुकोण के ऊपर एक तरीके से बयान देने की कोशिश की है। उसके बाद से अगर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज की बात करें तो उन्होंने दीपिका को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की है। साथ ही एक सुझाव भी उन्होंने साफ तौर पर दिया है। आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने ये कहा है कि दीपिका को नहीं पता था कि वो जेएनयू पहुंच गई हैं और वो भूल से जेएनयू पहुंच गई हैं। साथ ही उन्होंने दीपिका को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि उन्हें जो रेप पीड़िता है उनके पास जाना चाहिए और जो निर्भया है उनकी माँ के पास मिलने जाना चाहिए था, जिससे उनका कद ऊंचा होता। कहीं ना कहीं जेएनयू जाने के बाद से उनका कद जो है वो थोड़ा नीचे हो गया, इस तरीके से साक्षी महाराज का साफ तौर पे कहना था। सुनिए क्या कुछ दोनों नेताओं का कहना है। I think that anybody who has read the news knew where you're going to stand, knew that you're going to stand with people who wanted the destruction of India, knew that you're standing with people who celebrate every time a CRPF jawan is killed. She knew that she's standing with people who they actually hit some girls in private parts of Lathis. जो दृश्य मैंने देखा टीवी पर, उससे मुझे लगा कि शायद वो गलती से पहुंच गई। अपने को उन्हें ठगा जैसा पाया जब मंच पर खड़ी थी, लेकिन वहां जब नारे लग रहे थे, कन्हैया पास में खड़ा था, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दीपिका पादुकोण की अंतरात्मा रो रही होगी या ये कह रही होगी मैं गलत स्थान पर आ गई। तब उसके लिए वो अपनी अनेक तरह सफाई देना चाहती। मैं समझता हूँ वो लक्ष्मी के पास जाती, निर्भया के परिवार के पास जाती। उनका कद वैसा था, कन्हैया कुमार के साथ खड़े होने से उनके कद में इजाफा नहीं हुआ है, कुछ कमजोरी आई है। जो एक्टर्स हैं, इन सबको मैं समझता हूँ राष्ट्र के साथ रहना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण को लेकर के लगातार सियासत जारी है। बीजेपी की बात कर ले या तमाम जो बॉलीवुड एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी बात कर ले, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। वहीं आपको बता दें कि आज दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक भी रिलीज हो चुकी है। कई जगहों पर इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगहों पर इसको लेकर के समर्थन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जेएनयू कुल में जिस दिन से दीपिका गई हैं, तब से विवादों का सिलसिला जारी है। उन पर अपना राजनीतिक बयान देने का सिलसिला लगातार जारी है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि दीपिका इन तमाम चीजों को लेकर के अपना क्या कुछ डिसीजन लेती है और क्या कुछ अपनी तरफ से वो निर्णय लेती है। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।